हेलो लर्नर्स, वेलकम टू पावर बी आई डेक्स फंक्शन सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट फिल्टर फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिनके नेम हैं ऑल क्रॉस फिल्टर्ड एंड ऑल नो ब्लैंक रो। दोनों फंक्शंस कैसे आपके डेटा पे काम करते हैं, ये पूरा इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहे। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, ये दोनों ही फिल्टर फंक्शन हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑल क्रॉस फिल्टर्ड की। ऑल क्रॉस फिल्टर्ड फंक्शन आपका ऑल जैसे ही काम करता है। बेसिकली जो आपका टेबल है उस फिल्टर्स हैं उसको हटाने के काम आता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे नया मेजर। तो यहाँ पर अब हम एंटर करेंगे अपने टेबल का नेम, दैट इज़ न्यू डेटा। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर। हमारा मेजर फोर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी अपने टेबल में। तो देखिए, ये मेजर फोर की वैल्यू, अगर इस वैल्यू को आप ध्यान से देखें, ये हमें टोटल दिखा रहा है। अगर कनाडा की बात करें, कनाडा में टोटल कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, ये पर्टिकुलर कनाडा की वैल्यू नहीं दिखाएगा, जबकि ये पूरा टोटल इन सभी कंट्रीज़ में कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं प्रोडक्ट के, वो सभी वैल्यू जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है 35921। मींस इसने क्या किया, जो आपके फ़िल्टर लगे हुए थे कि कनाडा पे कनाडा की वैल्यू ही शो हो, वो फ़िल्टर इसने आपके टेबल से हटा दिए हैं और जो टोटल वैल्यू है वही सभी जगह पे इसने डिस्प्ले की है। तो ये काम होता है हमारे इस फंक्शन का, जिसका नाम है ऑल क्रॉस फिल्टर्ड। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड फंक्शन की। इस फंक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास ब्लैंक रोज़ हैं, तो ये ब्लैंक रोज़ को कंसीडर नहीं करता है, तो वो उसको स्किप करेगा। ये कंसीडर करेगा कि कोई भी रो ब्लैंक नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे एंटर डेटा पे क्लिक करूँगी। कुछ डेटा हम एंटर करेंगे टेबल में। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इंटीजर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं स्ट्रिंग्स और कुछ वैल्यू हम यहाँ पे देन वैल्यू ले लेती हूँ एंड हियर इज और इसको कर देते हैं लोड। तो बेसिकली मैंने एक टेबल क्रिएट किया है जिसमें दो कॉलम रखे हैं, एक इंटीजर का, दूसरा स्ट्रिंग का, और कुछ वैल्यूज़ वहाँ पे पास की हैं और एक रो वहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दी है। तो देखिए, अब हम अपना सेकंड जो मेजर है वो अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए तो टेबल अभी लोड हो जाए, उसके बाद मेजर को क्रिएट करेंगे। सो टेबल हमारा लोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, राइट क्लिक, न्यू मेजर। अब सबसे पहले इस मेजर में हम कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारे इंटीजर्स हमने वैल्यू एंटर की है उसका सम कितना होगा। तो इसको मेजर 5 रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कैलकुलेट सम, ब्रैकेट स्टार्ट। अब मुझे सम किसका करना है, टेबल टू इंटीजर्स। यहाँ पे इसकी ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, यहाँ पे मैं अपना फिल्टर लगाऊंगी ऑल नॉन ऑल नो ब्लैंक रो। अब इसमें आपको देखिए टेबल नेम और कॉलम नेम देना है, तो मैं यहाँ पे दूंगी इंटीजर्स, तो टेबल टू इंटीजर्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये हमारा मेजर क्या करेगा, जो आपने इंटीजर वैल्यूज़ हमने अपने टेबल में दी हैं उन सबको ये ऐड करेगा, क्योंकि हमने इसको सम दिया है।
तो मेजर फाइव हमारा क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कार्ड इंसर्ट करूँगी और इस कार्ड में हम अपने मेजर फाइव की वैल्यू को पुट करेंगे। तो वैल्यू आई है 100। तो अब हम चलते हैं अपने डेटा व्यू में से, हम सिलेक्ट करते हैं टेबल टू और वैल्यू देखिए 50 + 30 + 20, तो ये वैल्यू आ गई है 100। बिल्कुल सही इसने वैल्यू हमें शो की है। अब हम वापस चलेंगे। अगर मैं मेजर फाइव को ही दोबारा एडिट करूं, ये मेरा मेजर फाइव है, तो इसी को हम एडिट करेंगे। अब हम यहाँ पर इंटीजर की जगह लेंगे स्ट्रिंग, और जो मैं यहाँ पे फंक्शन यूज करने वाली हूँ वो यूज़ करूँगी काउंट देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल टू स्ट्रिंग्स एंड ऑल नॉन नो ब्लैंक रो, और यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ भी देंगे अब हम टेबल टू स्ट्रिंग्स और इसको करूँगी एंटर। तो इससे क्या होगा कि जो हमने स्ट्रिंग में वैल्यू एंटर किया उसको ये काउंट करेगा। तो देखिए इस वैल्यू हमें 4। अब हम वापस चलते हैं अपने टेबल पे, उसके टेबल व्यू पे। अब देखिए वैल्यूज़ यहाँ पे है ABCDEF and GTY। इसने क्या किया, ये जो ब्लैंक सेल था उसको भी इसने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे हमें 4 वैल्यूज़ जो हैं दिखाई। तो ये कंसेप्ट है आपके दोनों फंक्शंस का। आई होप इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट जो है फंक्शन का क्लियर हुआ होगा। ऐसे और ट्यूटोरियल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।